हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं रैली को। और इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट के, उन सभी लोगों को ये परेशानी आ रही होगी जो कि मार्केट बढ़ने पर जनरली शॉर्ट पोजीशंस बना लेते हैं कि मार्केट इतनी तेज कैसे रह सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पिछले 2-3 दिनों से जो मार्केट जिस तरीके से तेज थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में इतनी तेजी किस कारण से है। आज उसका कारण आपको पता चल गया। और देखिएगा, यहाँ पर फाइजर की जो कंपनी है, उसने करोना की जो वैक्सीन है, यानी कि कोविड की जो वैक्सीन है, उसमें 90% सक्सेस जो है हासिल कर ली है। और वो ट्रायल 3 के फेज के अंदर ये सक्सेस उसको मिली है। तो ट्रायल 3 जो है जनरली फाइनल स्टेज होती है, और उसकी जो एफिशिएंसी है जो 90% से ज़्यादा जो है कंपनी ने बताई है। तो यहाँ पर जो असर है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी बेहतरीन देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा, जो टाइटल है आप देखिएगा, टाइटल में लिखा हुआ है बंद मुट्ठी लाख की। बंद मुट्ठी लाख की, ऐसे देखिएगा, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। ये रैली किस बात की हो रही थी किसी को समझ नहीं आ रहा था। मार्केट चल रही थी एक तरफा, लेकिन जो फाइजर की न्यूज़ है वो तो मीडिया में अभी आई है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास ये सूचना पहले से थी। तो करीबन करीबन 10 दिन ये पहले सूचना थी। हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि जो बिडन जीते हैं उसकी वजह से शायद ये रैली है। सब लोग ये मान के बैठे हुए थे कि जो बिडन है वो उनकी वजह से जो है ये रैली हो रही है। और मार्केट के अंदर जो जानकार हैं उन लोगों को सबको यही लग रहा था, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो कुछ बता रहे थे कि मार्केट में जिस तरीके की तेजी है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। हमने भी बोला था कि एक माइल्ड जो है प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, लेकिन आज फिर मार्केट तेज हुई। अब उसका जो कारण था वो सबकी समझ से बाहर था, और मार्केट जो है वो सच्चाई बता रही थी कि कुछ तो है, यानी कि भाव भगवान है। और मार्केट आज देखिएगा अपने लाइफ टाइम हाई को जो है अचीव कर पाई। डेटा कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और अभी देखिएगा कि इस समय जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे सामने जो है डाउ जोन्स चल रहा है, तो डाउ जोन्स करीबन 1300 पॉइंट की जो है तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और ये अभी जो तेजी थी ये करीबन 1500 पॉइंट की थी, जो अभी 1300 की रह गई है। यानी कि मैं आपके साथ जो बोल रहा हूँ, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो अब आपको समझने हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत तेज जो है हो चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शॉर्ट सेलर हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, और आज शायद सारे सौदे कट गए थे। जो थोड़े बहुत बचे थे वो शायद सुबह लोग जो है डर के मारे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो उसको समझिएगा। देखिएगा, ये जो कोरोना की समस्या है, इसकी वजह से मार्च के अंदर जो रैली हुई थी, बेयरिश रैली, यानी कि जो नीचे बॉटम लगे थे, अब जस्ट उसका उल्टा चल रहा था। पिछले 8 दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी जैसे कि भारत का कोई राष्ट्रपति चुना जाना हो। और जोए बिडन की जो खबर है वो जो है इस तरीके से असर डाल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जोए बिडन की जो है खुशी जो है ये मार्केट मना रही है, और ट्रंप के हारने की जो है खुशी मना रही है। तो यहाँ पर वो खुशी उस बात की नहीं थी, खुशी इस बात की थी कि ये जो वैक्सीन जो आने वाली है उसकी खुशी मार्केट मना रही थी। और बड़े प्लेयर्स, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो जनरली यूएसए से बिलोंग करते हैं, उनके पास सूचना तंत्र होता है, वो उस सूचना के बेस पर जो है प्ले कर रहे थे। और ये सूचना जो है मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स को थी, और ट्रंप तक को जो है ये सूचना प्ले नहीं करने दी गई। और जिस दिन शायद ट्रंप के इलेक्शन थे, अगर उससे 2-4 दिन पहले खबर आती तो ट्रंप शायद इसको कैश करा लेते। लेकिन देखिएगा, फाइजर की कंपनी जो दवा का जो नोटिफिकेशन है फॉर्मल, वो आ जाया है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के अंदर, यानी कि नेक्स्ट ईयर के जनवरी के अंदर, शायद आपको जो है वैक्सीन मिल जाए। लेकिन वैक्सीन बहुत बड़े पैमाने पर बननी है, तो सबके पास जो है अभी नहीं पहुंचेगी, तो समय लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कोई फंडामेंटल रीजन अभी नहीं है कि जो है रातों रात जो है टर्न अराउंड हो जाएगी हमारी इकोनॉमी। तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अब मार्केट अपनी मेरिट पर चलेगी, ये ध्यान रखिएगा आप। अब इसका असर देखते हैं। देखिएगा, इसका सबसे पॉजिटिव असर होगा यूरोप के अंदर। क्यों होगा यूरोप के अंदर? देखिएगा, यूरोप की इकोनॉमी अभी भी अपने 52 वीक हाई से लो पर जो है ट्रेड कर रही। चाहे जर्मन का इंडेक्स देखिएगा, फ्रांस का देखिएगा, यूके का देखिएगा, वो 52 वीक हाई पर नहीं पहुंचे हैं।
तो आप जो वहां पर 5-6-7-8-10% 8% तक की तेजी जो है देखने के लिए मिल रही है यूरोप के जो इंडेक्सेस हैं, डिफरेंट इंडेक्सेस की बात करेंगे तो, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो है कोरोना का असर भी ज्यादा था, डेथ्स भी ज्यादा हो रही थी, सेकंड फेज के अंदर जो है कोरोना चल रहा था। ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ होगा, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है उनके पास आना था, और उनकी वजह से मार्केट जो है उनको रिएक्ट भी करके दे रही है। और उनको आप एक बात और देखिएगा, उनकी मार्केट हमारी तरह चली भी नहीं थी ज्यादा, तो यहाँ पर आप देखिएगा हम सबसे ज्यादा चले थे। और आज देखिएगा हमने अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर जो क्लोजिंग दी, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हमने जो रैली की है वो सबसे ज्यादा रैली करते हुए हम नजर आए। तो ये तो था यूरोप के बारे में। दूसरा देखिएगा यूएस के लिए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि वहां पर भी सिमिलर तरीके का जो पेन है वो था, तो वहां पर भी एक अच्छा असर देखने के लिए मिल रहा है। और हम देखिएगा बाकी वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से चलते हैं, लेकिन देखिएगा इस न्यूज को हम सेक्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। तो आज मैं आपके साथ ही जो ये न्यूज है इसको अभी आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस न्यूज के अंदर एक सबसे खास बात क्या है वो आपने समझनी है, वो ये समझना है कि ये जो न्यूज है इसका हमारे ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा। देखिएगा सबसे पहली बात है, हमारा बैंक निफ्टी करीबन 3,500 पॉइंट की रैली कर चुका है, निफ्टी एक तरफा जो है 1,000 से 1,200 पॉइंट की रैली एक तरफा कर चुका है विदाउट एनी करेक्शन। अब इसका इम्पैक्ट हमारे लिए क्या है, जैसे ही ये खबर आई सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10% बढ़ गए, और ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस 10% बढ़े हैं ये सबसे लिए हमारे लिए नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स की। तो देखिएगा जो ऑटोमोबाइल्स के नंबर आ रहे हैं वो काफी बढ़िया थे, लेकिन जैसे ही कच्चे तेल के रेट बढ़ेंगे और गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो गवर्नमेंट जो है टैक्स के रेट जो है कम करेगी नहीं, और अगर 10% रेट राइज हो रहे हैं तो आप देखिएगा हम 10% के आसपास अपना हमारा जो पेट्रोल या डीजल के रेट है वो बढ़ सकते हैं। तो वहां से देखिएगा ऑटोमोबाइल्स के जो शेयर्स हैं उनके लिए ये नेगेटिव खबर है, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी तो लोग जो नई नई गाड़ियां खरीद रहे थे, पर्सनल व्हीकल खरीद रहे थे कि जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना, तो वहां पर एक कमी जो है देखी जा सकती है। पहला रिएक्शन ये है। दूसरा ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोविड की वैक्सीन आ रही है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ सकती है, तो दूसरा बेनिफिट जो है कोविड की वजह से जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है रिफाइनरी वाली जो कंपनीज है, रिलायंस जैसी कंपनी, उनको फायदा होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो रिफाइनरी मार्जिन बढ़ सकता है। लेकिन वहीं पर ऑटोमोबाइल्स के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। तो पहली बात ये समझिएगा कि ऑटोमोबाइल्स के लिए। दूसरी जो स्पेशलिटी केमिकल या जो केमिकल प्रोड्यूसर्स हैं या पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में जो है क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स को यूज़ करती हैं, उनके लिए भी ये नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि इनके जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स जो है सस्टेन नहीं करेंगे आगे चल के अगर ये क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो। तीसरी बात है बैंक्स। बैंक्स बहुत अच्छी रैली कर चुके हैं, ये बात आपको समझनी, और जो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के जो असर है, जो इकोनॉमी स्लो डाउन है वो तुरंत रिकवर नहीं कर रही है। तो देखिएगा ये जो रैली बड़े प्लेयर्स ने करी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कल अच्छी ओपनिंग होगी मार्केट की, और बड़े ऊपर के लेवल पे क्योंकि रैली कर चुके हैं तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें देखने के लिए मिलेगी, जो कि मैंने शीर्षक भी रखा है बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अगर मैं आपके साथ बात करूं कि इंडेक्स किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ इंडेक्स पे लिए चलता हूं आपको। तो देखिएगा ये जो इंडेक्स है अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें, तो जो डाउ जोन्स का इंडेक्स है वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले हम उसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो अभी ऊपर से जो है प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर आ गई है, और 29,933, और अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे तो जिस तरीके के हाई लगाए थे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जो है आ रही है अभी। तो यहाँ पर कौन से शेयर्स वहाँ पर अच्छे तेजी बनाए हुए उनको भी देख लीजिएगा एक बार। तो डाउ जोन्स किस तरीके से अभी हालांकि काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड है, तो अगर वहाँ पर डाउ जोन्स में अगर हम देखने की कोशिश करें कि जो शेयर्स अच्छे चल रहे हैं उनमें देखिएगा, तो देखिएगा अभी ये यहाँ पर अपने 29,467 जो है यहाँ पर ओपन हुआ था, उसके बाद एक अच्छी तेजी 2,993 तक गई थी, तो वहाँ पर जो है एक ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसका मतलब है कि जो सस्टेनेबल राइज है वो शायद यहाँ पे भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। हालांकि देखिएगा डाउ जोन्स से ज़्यादा तेजी अभी भी हमारा इंडेक्स ऑलरेडी जहाँ पे क्लोज हुआ वहाँ पे कर चुका है पिछले 15 दिनों की बात करें तो। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारा राष्ट्रपति चुना जा रहा है, मार्केट रिएक्ट जिस तरीके से कर रही थी। इसी तरीके से देखिएगा S&P 500, क्योंकि
क्योंकि ये यूएस का इंडेक्स है, ये केवल 3% चल रहा है, जबकि डाउ जोन्स के अंदर जो है तेजी थोड़ी ज़्यादा। तो इसमें भी ऊपर के लेवल पर आप देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वोलेटाइल जो है ट्रेड्स यहाँ पर भी हैं। इसके अलावा आप देखिएगा डाउ जोन्स पे नज़र बना के रखिएगा थोड़ी देर, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है डाउ जोन्स में कितनी वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड हो रहा है, 562, 560, 568, 567, 565, तो किस तरीके के जो है ट्रेड्स हो रहे हैं और कौन से शेयर्स वहाँ पर तेजी से चल रहे हैं वो देखिएगा। तो वहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का शेयर 18%, शेवरॉन 12.62%, एक्सॉन मोबिल 12.36, ये ऑयल रिलेटेड है, बोइंग यानी कि एरोप्लेन की है जो आवाजाही जो है शुरू होगी तो उनको फ़ायदा हो सकता है, वॉल्ट डिज्नी जो है एंटरटेनमेंट का फ़ायदा हो सकता है, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी कंपनी फाइजर का शेयर खुद 8% चल रहा है जो दवा बनाएगी उसका केवल 8% तेजी है, जेपी मॉर्गन के अंदर 8% की है, वीज़ा के अंदर 7.7, तो ट्रैवलर्स के अंदर देखिएगा 7.3, कैटरपिलर तो ये एक्चुअली इतनी तेजी इनमें हुई भी नहीं थी यहाँ के बैंकों के अंदर, तो वो तेजी जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब इंडिया के अंदर और कौन से शेयर्स हैं जो तेज हो सकते हैं, तो देखिएगा कल इंडिया के अंदर जो फार्मा वाली कंपनीज हैं, क्योंकि देखिएगा फाइजर खुद तो इतनी वैक्सीन नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पर जो इंडिया के अंदर जो प्लेयर्स हैं जो इनकी वैक्सीन के अंदर हेल्प करेंगे वो शेयर्स आपको कल चलते हुए नजर आ सकते हैं सबसे पहले। दूसरा देखिएगा बैंक फाइनेंशियल्स चल चुके हैं लेकिन एक थोड़ा रिलीफ रैली के रूप में आएंगे, और क्योंकि इंडेक्स को ऊपर मेंटेन करना है तो वो भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिंगापुर निफ्टी कहाँ चल रहा है, तो SGX निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो सिंगापुर निफ्टी की अगर फ्यूचर लाइव प्राइस देखने की कोशिश करें तो ये भी 12,711 पे चल रहा है, ये ऊपर अभी 770-780 तक चल रहा था, 818 के जो हाई लगाए थे, लेकिन अभी ये जो है 711 पे आ गया है, तो इसमें भी जो है ऊपर से थोड़ा सा स्लाइटली जो है आप कह सकते हैं कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है इसके अंदर भी। तो ये जो आज कमेंट्री मैंने आपके साथ की, इस कमेंट्री के अंदर मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा था कि मार्केट कल किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। हालांकि देखिएगा मार्केट अपने हमारे लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो है ऊपर के लेवल पे आ सकती है, क्योंकि जब तक खबरें नहीं होती हैं तब तक मार्केट अच्छा रिएक्ट करती है, और जब खबर डिस्काउंट हो जाती है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बनते हैं। और जिन जिन सेक्टर के ऊपर आप देखिएगा असर पड़ेगा पॉजिटिव के साथ साथ, मैंने आपको बता भी दिया कि गोल्ड के प्राइस अभी आपको नीचे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर कोविड की समस्या खत्म होती है तो अभी देखिएगा गोल्ड के प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 3% के जो है लोअर लेवल पर जो है चल रहे थे। और चलते चलते मैं आपके साथ एक बार डाउ जोन्स के बारे में आपसे और बात कर लेता हूँ कि डाउ जोन्स के फाइनल प्राइस क्या है। तो देखिएगा डाउ जोन्स का जो प्राइस है वो 29573 यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अभी भी 1,250 पॉइंट की जो है तेजी है इसके अंदर, लेकिन जो स्ट्रेंथ है जो आप उम्मीद कर रहे थे कि ये इस न्यूज़ की वजह से रहेगी वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर के लेवल पर न्यूज़ आ गई है और बड़े प्लेयर्स को ये न्यूज़ पहले से पता थी, और हम जो है दूसरी खबरों के अंदर जो है हमारे को उलझा रखा था मार्केट ने, खबर वास्तव में ये थी जो बड़े प्लेयर्स के पास थी, और उसी की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये देखी जा रही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।